ग्रैंड पेराडी टावर्स, सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और फेमस होने आते हैं, और इसी वजह से यहां अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के लिए अगर कोई पैसे भी देगा तो शायद वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जिसमें रहने से आपके सर पर मौत मंडराए तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पेराडी टावर्स की, जो कि इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने ये अपार्टमेंट टावर्स यूं तो बहुत लग्जूरियस और सुंदर हैं, मगर इनसे जुड़ी कहानियां उतनी ही खौफनाक हैं। 27 साल की नेहा अपने पूरे परिवार को पुणे में ही छोड़कर 2 महीने पहले अपनी दोस्त मानवी के फ्लैट पर रहने आई थी। मानवी ग्रैंड पेराडी टावर्स की पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के फ्लैट में अकेली रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी लॉस में जाने लगा था, और तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई में आकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। मानवी एक रेडियो जॉकी थी और उसकी रात की शिफ्ट होती थी, इसलिए नेहा रात में अक्सर अकेले ही उस फ्लैट में होती थी। एक रात करीब 12:30 बजे के आसपास नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर एक सिगरेट पीने निकली थी, जब उसकी नजर अचानक टावर्स की 3री बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वो एकटक लगाए बालकनी से नीचे देखी जा रही थी, फिर जब उसे फील हुआ कि नेहा उसे देख रही है तो वो नेहा को देखने लगी। नेहा वहीं रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो औरत अब नेहा को देखे जा रही थी। नेहा ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो इस बार उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक नेहा की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली, और जब दोबारा उसने 8th फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। यह सिलसिला अब रोज होने लगा। नेहा रोज रात को उसी फ्लैट की बालकनी के बाहर खड़ी हो जाती और वहां एक टक लगाए देखती रहती, साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नेहा की तबीयत भी अचानक से खराब रहनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था। एक दिन मानवी ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर नेहा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। मानवी नेहा को मुंबई की सारी फेमस जगहें दिखाने लगी, मगर नेहा का बिहेवियर पूरा वक्त बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कोई रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते मानवी उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर नेहा को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मानवी घबरा उठी। नेहा को अचानक से एक सीजर आने लगा। नेहा को ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था, और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह मानवी ने नेहा के मुंह पर पानी की छींटे मारी, तब जाकर नेहा नॉर्मल हुई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर लौट गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। मानवी ने यह तय कर लिया था कि वो अब अगली ही सुबह नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी, लेकिन उस दिन देर रात नेहा नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए नेहा ग्रैंड पेराडी टावर्स की 3री बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई और 8th फ्लोर की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। Mommy's with the maggots now. Is what happened to Paul? It happened to us. Don't let it take my babies. I'm getting this out of here. Open up now.
वो लिफ्ट में घुसी और 8th फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कई सालों से कोई ना रहा हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और वो उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा हैरानी से वहीं खड़ी थी। उस अपार्टमेंट में से बहुत सड़ी बदबू आ रही थी। तभी नेहा को एक औरत ने आवाज लगाई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वहां वही औरत थी जिसे वो रोज देखती थी। वो औरत उस फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। उस औरत ने हंसकर नेहा को अपने पास आने का इशारा किया। नेहा ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा ही रही थी कि अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर नेहा घबरा गई और सीधा दरवाजे की तरफ वापस भागी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही लंबी और खतरनाक हंसी थी, पर उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल बिल्कुल सड़ी हुई। देखते ही देखते उस फ्लैट में एक एक करके बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगीं। वो सब नेहा की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थीं। उन सब को देखकर नेहा का मन अचानक से बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी पर चढ़कर वहां से कूदने लगी। नेहा भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी बारी आने पर वो भी उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर मानवी को एक फोन आया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। नेहा को काफी बुरी हालत में उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड पैराडी टावर्स के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। मानवी सुनकर दंग रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा उस 8th फ्लोर वाले फ्लैट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। अगले दिन जब नेहा को होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा मानवी को बताया, लेकिन फिर उसी रात नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। मानवी नेहा की मौत से टूट चुकी थी और तब ग्रैंड पैराडी टावर में रहने वाले एक आदमी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे मानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मानवी से कहा कि ग्रैंड पैराडी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है, पर जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो सब बहुत स्ट्रेस में थे, इसलिए कोई आज तक समझ नहीं पाया है कि क्या सच में 8th फ्लोर का वो फ्लैट हॉन्टेड है या वो लोग सच में अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। नेहा के साथ जो भी हुआ वो आज भी एक पहेली है और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है जिन्होंने उस 8th फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था। दोस्तों 21st अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है एक स्पाइन चिलिंग हॉरर मूवी इविल डेड राइज, देखना मत भूलना। इनफैक्ट खूनी मंडे के कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को इस मूवी के टिकट्स भी मिलेंगे एकदम फ्री। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाओ, उसे फॉलो करो और पता लगाओ कि फ्री टिकट्स कैसे मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।